काम करते हैं आप लोग सभी? हेलो, कहाँ आप लोग? चतरा से? तो राधे राधे सीताराम, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। झारखंड टू ऑल इंडिया साइकिल यात्रा में स्वागत है। तो अभी मैं रुका हुआ हूँ एक गुरुद्वारा में, और कल मैं आ गया था विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम में वन नाइट स्टे करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रहा था। धर्मशाला भी नहीं था, ना रैन बसेरा, ना कोई स्थान। तो लास्ट में 8 बज चुका था, इसी तरह मैं इधर से उधर भटकते भटकते, तो मैं लास्ट में गूगल पर मैं सर्च मारा गुरुद्वारा विशाखापट्टनम, तो 2 गुरुद्वारा दिखाई दिया। तो मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ रहने के लिए स्टे मिल गया, क्योंकि यहाँ रूम पूरा बुकिंग था। तो मुझे लंगर जहाँ भोजन करते हैं वह स्थान मुझे मिला था, यहाँ पर मैं स्टे किया था, रात को मैं सोया था। तो अभी बज चुका 8:30, अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए तैयारी हो चुका है। आज देखते हैं मैं कहाँ जाता हूँ, और काफ़ी अच्छे यहाँ के बाबा जी हैं और काफ़ी हेल्प किए, तो थैंक यू आप सभी के दिल से शुक्रिया। तो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से। अब मैं कहाँ जाऊँगा वो तो मैं रास्ते में ही बता दूँगा यार। तो जस्ट अपना रूम से निकला ही था, और एक सरदार जी आए हैं, बोले कि नाश्ता कर लो उसके बाद ही जाना। तो मैं यहाँ पर रुका हुआ था, आज सभी को मिलवाते हैं सरदार जी से। और एक किचन रूम है जहाँ खाना बनाते हैं, यहाँ पर लंगर का तैयारी चल रहा है। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी। हाँ, आप अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे ना? पंजाब से। आपकी कितने साल से यहाँ पर सेवा करें? लास्ट 2 मंथ हुए ने। 2 मंथ सेवा। और आपका नाम क्या है? बलजिंदर सिंह। बलजिंदर सिंह। और आपका सरदार जी? मैं उत्तराखंड से हूँ जी, देहरादून से। उत्तराखंड देहरादून। अभी सेवा कर रहे हैं? हमारे सेवा कर रहा हूँ 1 मंथ हो। और मंथ कब तक सेवा करना है? अभी सेवा करना है 5-6 महीने। 5-6 महीने हो तो सेवा तो आखिरी सांस तक चलेगा। सेवा तो आखिरी रात में, मतलब यहाँ पे ना। हाँ। विशाखापट्टनम। और आप सरदार जी? हम इधर ही लोकल काकीनाडा से। लोकल कनाडा? लोकल इधर से। अच्छा, सेवा संडे को होती है जो बाहर के गरीब लोग हैं। हाँ। बाकी लंगर चलता है संडे को। अच्छा। वैसे स्टाफ के लिए प्रसाद बढ़ते हैं, बाहर से कोई आ जाता है उसको भी चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो संडे को वैसे हर संडे होता है। अच्छा, कितने लोग आते होंगे यहाँ पर? यहाँ पर मिनिमम 200-300 लोग आते हैं ना। रहने का भी प्रबंध है? हाँ, रहने का भी प्रबंध। कोई भी आए बाहर से, किसी भी अदर स्टेट का हो, कोई भेदभाव नहीं। वो तो मैं तो परखा हूँ, काफ़ी गुरुद्वारा में गया हूँ। बाकी सब खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बाहर से, अच्छे से। हाँ हाँ, वो तो मुझे स्वागत है, वो तो पता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू। ठीक है, आप आज्ञा दीजिए, हम निकलता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। बड़ा सा होल है ये, और अभी मैं जा रहा हूँ और बाबा जी का ये स्थान है गुरुद्वारा। ये बाहर का गेट है, एंट्री गेट है, और इसमें रहते हैं काफ़ी लोग आते हैं ना। तो रूम है, वन रूम का बिन एसी लीजिएगा, बिना एसी तो 500 रुपया, और एसी रूम लीजिएगा तो 900 रुपये रेट है यहाँ का वन नाइट का। अंदर का तो बाबा जी बोल रहे कि अंदर का भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाबा जी, लेकिन एक चीज़ देखा है मैंने गुरुद्वारा में, आप कहीं से भी जाइए गुरुद्वारा में, आपको सेवा बहुत अच्छा से होता है। और इधर मेरा साइकिल खड़ी है, जाने के लिए तैयार है, कब से ये वेट कर रही है। भी झारखंड चतरा हमारे गांव से काफ़ी लोग आंध्र प्रदेश में भी हैं, और क्या करते मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी से मिलवाता हूँ। नमस्कार भाई लोग। हाँ, चतरा से आप लोग सभी हैं? अच्छा, बेसिक क्या करते हैं यहाँ पर? क्या जी? अच्छा, काम करते हैं आप लोग सभी? हेलो, कहाँ आप लोग? चतरा से? अच्छा, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, मिलेंगे फिर। झारखंड जिला पलामू से है, कांची लातेहार जो है। मैं अच्छा, वहाँ से
आपसे अच्छा लगा मिलना। थैंक यू। आप लोग भी काम करते हैं या अपना बिजनेस है? अपना बिजनेस आप लोग? हाँ, वर्किंग करते हैं। अच्छा, टाइल्स करना है, कैसे इटालियन हो गया। अच्छा सर, काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो विशाखापट्टनम के खूबसूरत गलियों से, शहरों से मैं निकल चुका हूँ और विशाखापट्टनम में भी काफ़ी प्यार मिला, भले ही बात करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हर बार नया नया एक्सपीरियंस आ रहा है और पता नहीं क्या होगा आगे। रास्ते से जा रहा था और आंध्र प्रदेश के जो पुलिस थे वो मुझे रोके और मुझसे बात किए, वो भी हिंदी में, और काफ़ी अच्छा लगा बात करके। पूछ रहे थे कहाँ जा रहा है, कितना दिन हो गया और आगे कितना दिन और लगेगा इस जर्नी में, तो मैं बताया सारा कुछ और बोले कि हैप्पी जर्नी, अच्छा से जाना। और फ़ोटो भी क्लिक किए लेकिन हम फोटो नहीं क्लिक कर पाया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कुछ बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, इसलिए फिर हम वीडियो नहीं बनाया। थैंक यू सर, जय हिंद। चैनल? हाँ, चैनल जयंत भैया जी। और अभी मैं जा ही रहा था तभी भैया जी ने ऑल द बेस्ट ब्रो, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। योर नेम? माय नेम इज कल्याण। कल्याण, कितना दिन हो रहा है? टू मंथ प्लस। टू मंथ प्लस? ओके। हाँ, ओके। विद यू स्टे विद टेंट? स्टे टेंट एंड टेंपल। ओके, या गुरुद्वारा? गुरुद्वारा, या क्या नाम? जयंत, जे वाई एन टी। जे वाई एन टी। तो हम एक पेड़ के नीचे रुका हुआ हूँ, क्यों पता है? क्योंकि हम बिस्किट खा रहा हूँ। तो अभी मैं एक राजस्थान के भाई जी हैं उनके होटल पर रुका हूँ और 10 का समोसा, 2 समोसा और 20 का जलेबी पैकिंग करा दिया हूँ रास्ते में खाने के लिए। इधर मेरा साइकिल खड़ी है। कितने साल हो गए भाई आपको? 5 साल। कितना हो गया पूरा टोटल? 60। 50। नो नो, तभी मैं पहुंच चुका हूँ प्योर गांव में। आसपास इधर कतारी रखा हुआ है, इधर नारियल के पेड़, इधर पौधा क्या चीज़ का पता नहीं, और यहाँ पर क्या बेच रहे हैं इन लोग? अच्छा, गुड़ है, गुड़। हम तो कुछ और समझ रहे थे। तो अभी मैं चल रहा हूँ ऑफ रोड में, बस थोड़ा सा था, उसके बाद आ चुका है हाईवे। हाईवे तो अभी हमको इस पहाड़ी के बीचों बीच जाना पड़ेगा। अब पता नहीं रास्ता कैसा है। रास्ता अच्छा होना चाहिए। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। ये मेरा इंटरव्यू हुआ, वो भी आंध्र प्रदेश में, और हिंदी बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन अगर मैं कोशिश किया बुलाने की। हेलो, हिंदी 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 कितने?
हाँ झारखंड झारखंड आपको आता है हिंदी कैसे? बड़ा बड़ा आता है। कहाँ जा रहे हैं अभी? तो जा रहे हैं, देखेंगे कहीं रुक जाएंगे। इधर ना इस पेड़ का प्लांट बहुत है, अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखें कि क्या चीज़ का ये पेड़ है। बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है इसका, और आसपास में केला की खेती बहुत है। अगर सर्दी अभी नहीं हुआ रहता तो ऑर्गेनिक केला में खाता अभी, क्योंकि इधर सस्ता बहुत है, लेकिन मजबूर सर्दी हुआ है। विशाखापट्टनम टू अभी तो आज मैं जाने वाला हूँ नरसिंहपट्टनम और विशाखापट्टनम से लगभग 85 किलोमीटर डिस्टेंस था, और अभी मैं 60 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ, 60 या 65 किलोमीटर। देखता हूँ कब तक मैं पहुँचता हूँ, और देख सकते हैं ना किस तरह आते हैं, अभी बोलते हैं तमिल में और तमिल मुझे समझ नहीं आता, कोई कोई तो किसी तरह मैनेज करना पड़ता है। और इधर देखिए हर तरफ उसकी पेड़ है, क्या चीज़ का पेड़ है हमको समझ नहीं आ रहा, बहुत प्लांट इसका बहुत बड़ा है इसका, इस पेड़ का। काफ़ी सारा प्लांट यहाँ किया गया है पेड़ों को, नारियल हो, आम हो, कटहल हो, या अनेक प्रकार के पेड़ को पौधा को यहाँ प्लांटिंग किया गया है। लेकिन ट्रैवलिंग करने में मज़ा आ गया आज, ऐसा मुझे लग रहा कि 70-75 हो चुका है, नहीं 70 हाँ समथिंग, और आज सबसे बेस्ट ट्रैवलिंग आज रहा, और इसे ऐसा ही मौसम में ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। तो नरसिंहपट्टनम सिटी में इंटर कर चुका हूँ, अब मैं सबसे पहले रहने का व्यवस्था में करता हूँ कि कहाँ आज मुझे रहना है। इधर तो टेंपल में ही रह सकते हैं, गुरुद्वारा तो नहीं होगा यहाँ आज, इसलिए मैं पूछता हूँ।